अब इसमें तेरे को तो समझ में आया रिक्शा तो क्या है, ये लेफ्ट राइट का राइट साइड और लेफ्ट साइड मुठ्ठा हो गया, मीटर ऑन हो गया, ये ऑफ भी हो गया, ठीक है, ये ऑन कर दिया, सुन ले, ये अब मैंने चला रहा हूँ इंडिकेटर लेफ्ट साइड, वो चल रहा है उधर, ठीक है, बजर यहाँ लगा हुआ है, ये चल रहा है राइट साइड, ये बज रहा है हॉर्न, ठीक है, गाड़ी में तो यही चीज होते हैं ना, ये हो गया हॉर्न पूरा फुल्ली गाड़ी वाला। अब आपके पास आएगा जैसे कोई गाड़ी तो उसका कंट्रोलर जैसे यहाँ पर सेट किया हुआ, तो मेन आपको जैसे गाड़ी बना रहा हो फुल गाड़ी, तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे गाड़ी बंद है तो कंट्रोलर का जो ये आपका चाबी के कनेक्शन ही है, चाबी कनेक्शन होते हैं ना, ये जा रहा है चाबी, ये 48 वोल्ट मेन है, पीला वाले जो दिख रहे इसमें से जा चुका है, ये कहाँ पर जा रहा है चाबी ऑन होने के बाद, कि नहीं कितने जगह पे जाता वो मैं बताऊं, जैसे रेड वाले को चाबी ऑन किया तो ये पीला में कन्वर्ट हो गया ट्रांसफर, एक आता है 48 वोल्ट मीटर पे एक जगह पे, अंदर आएगा एक तार, बाकी एक तार ये कंटेनर का जो चाबी का आपका ये है इसमें, तो चाबी ऑन होने से 48 वोल्ट कहां जाता है, कितने जगह पे जाता है, मीटर पे एक, आपका डीपी पे 12 वोल्ट का, और एक आपका कंटेनर का इसमें, बस यही तीन चीज होते हैं, बाद में कर लियो सुन ले पहले, तीन जगह पर बस चाबी ऑन होने पे जाएगा, और इसके सिवा ये 48 वोल्ट और कहीं नहीं मांग सकता है, और कहीं जरूरत भी नहीं है, हो गया इस सब्जेक्ट। फिर जैसे कन्वर्टर में जैसे पहुंच गया तेरे को 48 वोल्ट, अब ये जो पीला तार है कन्वर्टर का इसका तेरे को सप्लाई दे रहा है 12 वोल्ट, अब ये 12 वोल्ट कहां कहां जरूरत है, ये 12 वोल्ट हॉर्न पे आएगा, स्विचिंग पे आएगा, फिर ये तेरे इसमें भी आ रहा है, 12 वोल्ट का मतलब क्या होता है, हर गाड़ी को ऑपरेट करना, जैसे इंडिकेटर हॉर्न बाजा म्यूजिक सिस्टम जितना भी रैप लाइट, यहाँ पर 48 नहीं होता सिर्फ 12 से कन्वर्ट होता है, जैसे तूने चाबी ऑन कर लिया अपना अपना जगह पे अपना अपना वोल्टेज फेंक देता है, अब तेरा समझ ले ये ऑन हो गया मीटर, अब तेरा ये हॉर्न नहीं बज रहा है, पहले तो चेक करके इस 12 वोल्ट को, जी ये 12 वोल्ट बना के देगा तब ना जाके बजेगा, इसका 12 वोल्ट चेक करेगा, जी ये 12 वोल्ट कट तो नहीं गया, 12 वोल्ट मिल गया, फिर जाके इस सॉकेट में चेक करो, फिर इसको खोलो, जैसे इसके वोल्टेज आ गया नहीं आया, ऐसे चेक कर सकते हो, नहीं तो पहले नंबर पर दूसरा हॉर्न ही डालो, यही चेक करो, ऐसे दबाओ मीटर लगाओ 12 वोल्ट आ जाएगा, तो बाकी देखेंगे क्या होता है, जैसे ये कंट्रोलर है, अब तुम्हारा कंट्रोलर एक्सेलेरेटर नहीं ले रहा है, तो मतलब ये जो चाबी आपने ऑन करे ये कहां से गया, गर्दन से गया, अब ये समझ लो चाबी ऑन वाला मीटर चल रहा है कितने जगह जाता है, तीन जगह, इसका पहुंच गया तो मीटर ऑन, अब यहां से जो जा रहा है इस वाला ये आपका कट गया, इससे पिट गया, तो क्या होगा उस टाइम कंट्रोलर को ऑन नहीं कर पा रहा है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, तब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर मीटर से चेक करोगे, ब्लैक हर कॉमन है 48 वोल्ट इधर आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तार आपको समझ में नहीं आ रहा है, अलग से एक वायर लो, ये जो चाबी का आपका पीला वाला कनेक्शन है इसमें से काटो ज्वाइन करके ऐसे करके सीधा इसमें कनेक्ट कर दो, और एक इसको भी दे दो, चाबी ऑन कर दे, फिर दोबारा आपका नया तार से जा रहा है, ये तार अंदर गल गया जल गया उसको छोड़ दो कोई टेंशन नहीं है, एक वायर लगा के बस ये सप्लाई मांगता है, और कई बार देखिए ये पिट गया तुरंत चलाने के लिए आपको इसको क्या करोगे खोल के कंट्रोलर वाले को डायरेक्ट लगा दोगे तो आपको बिना चाबी ऑन के ही मुठ्ठा काम कर लेगा, इसलिए डायरेक्ट 48 मिल जाता है, तो देखेगा यही होते है। और इंडिकेटर वहां पर आप क्या है बैक साइड क्या क्या जाता है देखो, चाबी ऑन करते ही आपका पार्किंग जा रहा है व्हाइट लाइट और लाल हल्का सा वो जल के रहता है, जैसे ब्रेक में पैर मारोगे दूसरा चमक जाता है, तो वो कहता है पार्किंग, चाबी ऑन करने से हेडलाइट से कनेक्ट है, जैसे हेडलाइट के अंदर भी एक छोटे बल्ब होता है पार्किंग, हाई डिपर होता है जैसे ये रहा, ये अलग है पार्किंग अलग है, जैसे पार्किंग आपको मिल गया तो वहां पर भी पार्किंग कनेक्शन है, मैंने सिर्फ लगाया इंडिकेटर को, वहां पर अभी भी कनेक्शन बाकी है, उसमें क्या है पार्किंग भी है ब्रेक लाइटिंग भी ब्रेक लाइट के लिए यहाँ सॉकेट यूज करोगे और नीचे रहेगा आपके ब्रेक के साथ कनेक्ट करते, यहाँ पर कनेक्ट मिलते वहां पर चला जाता है, यहाँ से चला जाता है वहां
यहाँ नहीं आता है। क्या चीज? हाँ तो यहाँ से होगा ना, जैसे उसमें तार लगा रहता है। ये सॉकेट है ना आपका, ये रहा। ये सॉकेट है, ये वाला सॉकेट देखो, ये सेम है तो ये जाता है यहाँ से और ये जाता है यहाँ से पैर से दबाने से, ठीक है, दो जगह से जाता है। फुल्ली गाड़ी मांग रहा है। आप यहाँ पर तुम्हारे पास और भी है, देखो ये मैंने बांध के रखा है, ये इंडिकेटर है, ये भी इंडिकेटर है कई गाड़ी के, जैसे वो जो आपका चश्मा है उधर कान लगा रहता है, उस कान में एक मोटरसाइकिल की तरफ लगाना चाहता है, वहां पर आप यहाँ से कनेक्शन कर सकते हो। इंडिकेटर यहाँ पर भी है, पीछे भी, आगे भी, आगे तो लगता है। आगे आगे क्या करता है, आगे उसमें नहीं, जैसे है कहाँ से लेता है, यहाँ से कनेक्शन करके यहाँ बोर्ड में, यहाँ बोर्ड में लगा देता है, कनेक्शन यही था तुम्हारे इंडिकेटर का। तो ऐसे अब बाजा देखेगा आपका सही नहीं है, वो इंडिकेटर आपको चलने नहीं देगा, ठीक है। यहाँ से जाके वोल्टेज, यहाँ से वापसी, हर लाइट को आप वो कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। तो ये हर चीज, कोई लंबी चौड़ी वो बात नहीं है, बस आपको समझ। अब हॉर्न नहीं बज रहा है, हॉर्न क्यों नहीं बज रहा है, तो हॉर्न को पहले चेक करो, हॉर्न कट भी सकता है। हॉर्न की इधर तार लगाओगे, मीटर से आप मल्टीमीटर से चेक करोगे, 12 वोल्ट आ गया तो मीटर खराब, हॉर्न खराब है। बाकी वोल्टेज नहीं आ रहा, ये तार देखो कहाँ जा रहा है, ये आप आ रहा है। अब इसके देखा गया तार है आपका, ये देखो ये जो कलर है ये वाला है, ये वाला है कलर, ये सीधा हॉर्न के अंदर जा रहा है, ये देखो दो पीला है। अब इसके अंदर देखो, फॉलो करो, वो देखो दो पीला तार है, टॉर्च से देख लो, इधर पीला तार जुड़ा हुआ है, टच होते ही ये अर्थ तो कॉमन रह जाता है, इसमें से डायरेक्ट इसमें आ रहा, ये वोल्टेज से बाहर जा चुका है, दबाने से ही उल्टा बैक करके इस तार में आके हॉर्न को दे देता है। ऐसे ढूंढना पड़ता है वोल्टेज कहां से मिल गया, जैसे कंट्रोलर की तरफ हम जब रिपेयरिंग करने बैठते हैं वही सेम सिस्टम है। तो देखा गया ये, और बाकी आप लोगों को कुछ समझना है, और कई बार एक चीज और देखोगे, जैसे मेन बात वो बताता हूँ, जैसे मैंने मीटर खरीद के लाया, मीटर से कितने तार आता है, एक मेन चाबी वाला, एक ये है जो डिस्प्ले का, ये तार कभी कभी पलट के आएगा, आप लगाए सॉकेट में सॉकेट नहीं काम कर रहा। अब इसको देखेगा आपको, एक 48 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, अब यहाँ पर 12 वोल्ट कौन सा है, 48 वोल्ट कौन सा है, जैसे आप नापोगे, चाबी ऑन कर दिया, इसको खोल दो, अब यहाँ पर आप नाप सकते हो कौन सा 48 है कौन सा 12 है। अब 12 की जगह 12 देना पड़ेगा, 48 की जगह 48। अब देखेगा इसमें ऑन कौन सा होगा, जैसे ये आपने लगा दी है, ये होता है देखो, ये ब्लैक है, ब्लैक हर कॉमन है, ब्लैक चला गया, आप यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है नहीं, ये जो आपने हरा कलर दिख रहे हो इस बोर्ड का अर्थ ही है, माइनस तार है, हरा तार माइनस है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट ब्लैक नहीं बाहर करता है, ऐसे कहता है मीटर में हरा ही रखता है माइनस, और यहाँ तो आपको मेन माइनस मिल ही गया। अब ब्लैक हर कॉमन होता है, ब्लैक जाके पूरा अपना 12 वोल्ट में 48 वोल्ट में अपना फैल जाता है, 12 आपने जैसे इसका अर्थ लगा लिया, अब आपका बारी रहता है इसको नापना, जैसे ये रेड वाला हो गया 48, ये 48 आपको यहाँ पर मिल गया, हल्का ऑरेंज कहाँ से आ रहा है वो भी फॉलो करो ना, ये रहा, चाबी ऑन करते ही तो इसका वोल्टेज इसमें उतर जाता है, ये देखो सेम कलर दिया ना, ऐसे ही होता है। तो 48 को दिया, फिर इंडिकेटर राइट साइड लेफ्ट साइड सारे यहाँ पर आप ऑन करते रहो, ऐसे बजाते रहो, फिर यहाँ पर सिग्नल देखते रहो, बस लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड दो, राइट साइड को राइट साइड दो, कनेक्ट करते रहो। और जैसे आपने चाबी, ये जैसे आपको ये देखो हेडलाइट, हेडलाइट का सॉकेट ये रहा, और पार्किंग का जो है ये वाला, एक अर्थ तो कॉमन होते है, पार्किंग लगा दो उसमें छोटा बल्ब जलते रहेगा। अब ये आपका ऑफ है हेडलाइट ग्रुप, अब ऑन हो गया, अब ऑन होने से यहाँ पर एक लाइट भी आ जाएगा, ये देखो इधर जैसे ऑफ कर दिया, ये पार्किंग का सिग्नल है, ये ऑन है आप हेडलाइट। अब हेडलाइट जैसे ऑन हो गया, आपको हाई लो करना पड़ेगा, ये रहा डीपर डीपर डीपर, ये बंद कर दिया, तीन है मुट्ठे का बैक गियर का, जैसे आपको मुट्ठे का तार, तीन तार होते हैं यहाँ से ही जाते हैं, यहाँ पर सीधा ही आ रहा है, कलर भी वही है सेम है। अब ये तार कैसे पिट गया, हैंडल घूमते रहता पुराना हो जाता टूट गया, अब मुट्ठा काम नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हो, एक मीटर यहाँ पर पकड़ो और यहाँ पर पकड़ के चेक करो कौन सा तार पिट गया है, कौन सा तार, तीन तार के अंदर एक पिट गया या तीनों पिट गया, वो आपको ढूंढ के अब इस वायर के अंदर तार न डालो, तो एक तार सिंगल लो,
जो वाला पिट गया बस कनेक्ट करके यही कनेक्ट कर दो, बस आपको कनेक्ट करना जरूरी है। हाँ, किसलिए? तब तक कनेक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं करेगा। हाँ जी, अभी भेजा है आपको? हाँ। पेमेंट दिया है? कितना दिन है? आप भी आके एबीसी टेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिपेयरिंग क्लासेस। होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।